भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सर्वात घातक जर कुठला निर्णय मोदी साहेबांनी घेतला असेल तर तो डिमॉनिटायझेशनचा म्हणजे नोटबंदीचा होता। ह्या नोटबंदीमुळे जवळपास 1.5 कोटी लोकांचा रोजगार हरपला। 500 आणि 1000 रुपयाची नोट बंद करून ह्या देशातला ब्लॅक मनी बंद होईल, ह्या देशातले नकली नोट बंद होतील आणि टेररिझमला जो फंडिंग मिळत आहे तो बंद होईल अशी घोषणा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केली होती। परंतु ते सर्व मिळू शकलं का? रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वे अनुसार 99.3% नोटा ह्या परत बँकेत आल्या। ज्या कारणास्तव नोटबंदी करण्यात आली होती ती सर्व कारण, ती सर्व उद्दिष्ट मोदी सरकारला गाठता आली नाही हा काळा इतिहास आता समोर आलेला आहे। रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार जर आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवला तर ब्लॅक मनीचं सर्क्युलेशन कमी होण्याच्या ऐवजी आता वाढलेलं दिसतंय। बेरोजगारी नोटबंदीमुळे झाली, परंतु त्याच्यावर बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार काहीच करू शकलं नाही हा देखील इतिहास आता लोकांच्या समोर आलेला आहे। त्याच्यामुळे आज नोटबंदीचा दिवस हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काळा दिवस म्हणून आहे आणि त्याचा निषेध डिमॉनिटायझेशन याने नोटबंदी को आज 6 साल पूरे हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यकायक नोटबंदी की घोषणा 2016 में की और पूरा देश अचंभित होकर देखता रहा कि इस प्रकार की घोषणा क्यों की। उन्होंने कहा देश से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, टेररिज्म को जो फंडिंग मिल रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा और जो ब्लैक मनी और काउंटरफीट करेंसी या नकली नोट जो सर्कुलेशन में है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उन्होंने 500 रुपए का और 1000 रुपए की नोट को बंद कर दिया लेकिन उसके एवज में 2000 रुपए की नोट जारी की। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 99.3% नोट वापस बैंक में आ चुके हैं। तो क्या नोटबंदी का जो मूल उद्दिष्ट था वो पूरा हो पाया, क्या वो सफल हो पाया? तो उत्तर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी की थी उसका मूल उद्दिष्ट सफल नहीं हो पाया। नोटबंदी की डिमोनेटाइजेशन की योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस नोटबंदी के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार भी निकल गया और बहुत ही आर्थिक संकट देशवासियों को भुगतना पड़ा।